हेलो फ्रेंड्स, आप किसी भी साइज़ पर पेटीकोट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। पेटीकोट का कपड़ा 2 मीटर सवा 2 मीटर होता है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग कपड़ा हमारा 2 मीटर का है। मान लीजिए कपड़ा 2 मीटर का है, तो इस कपड़े पर कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें 2 मीटर कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रख लेना होता है। उसके बाद हमें इसको साइड से हमें 4 इंच से लेकर 5 इंच की पट्टी निकाल लेनी होती है। तो साइड का हिस्सा ये हमारा पट्टी के लिए होता है, तो यहाँ पर से हमें साइड से पट्टी के लिए कपड़ा निकाल लेना है, जो हमारी बेल्ट पट्टी और डोरी बनेगी। तो इस तरीके से साइड से हमें कपड़े को निकाल लेना होता है। तो निकालने के बाद इसे हमें कट करके अलग कर लेना है, और इसको इसे हमें ऊपर बेल्ट पे और हमारा जो डोरी तैयार होगा उसमें यूज होगा। लेंथ आपको जितनी भी रखनी हो उसके हिसाब से आपको इसकी लंबाई ले लेनी है। उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि जब हमारा ऊपर नेफा लगेगा, बेल्ट पट्टी लगेगी, तो हमारी जो लंबाई कम होती है उतनी ही लंबाई पे हमारा पेटीकोट तैयार होगा। यदि मान लीजिए आपको 36, 37, 38 किसी भी नाप पर तैयार करना हो, तो बस आप इसकी लेंथ लेंगे और इसे डबल कपड़े पर करके इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद अब हमें जो चौड़ाई लेनी है, तो ये 4 कली का पेटीकोट है, तो इसके लिए इसमें हमें हिप का जो भी साइज होता है उसको 4 से डिवाइड करने पर जो भी आता है, मान लीजिए आपका हिप साइज 36 है और इससे डिवाइड करने पे आपका 9 आता है, तो 9 में आप 1 इंच प्लस करके लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो उस हिसाब से 10 इंच इधर लेंगे और 10 इंच इधर लेंगे। तो ये हमारा होता है साइज किस तरीके से निकालना है। तो मान लीजिए यहाँ पर मिसाल लगा दे रहे हैं, आप किसी भी नाप पर इसी तरीके से पेटीकोट की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 10 इंच है, तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया इस तरीके से, और ये हमारा हो गया 10 इंच, और इधर भी निशान लगा दिया। कैसे निशान लगाने के बाद हमें इसे इस तरीके से तिरछा लाइन करके लाइन खींच देनी है, या आप तिरछा मोड़ सकते हैं। तरीके से इसको तिरछा ही यहाँ पर मिला देना है। यदि आपको घेर ज़्यादा चाहिए कम चाहिए तो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब इसे हमें कट करना होगा, बाद में इसकी गोलाई पहले भी दे सकते हैं यहाँ पर और बाद में भी दे सकते हैं। तो हम इसकी गोलाई जो है बाद में देंगे, तो हमें अब इसे कट कर लेना है। तो कट आप इस तरीके से करिए, चाहे फोल्ड करके करिए, बस इसका सिंपल सा यही तरीका है। आप इसी तरीके से कट करिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। पेटीकोट बस स्टिचिंग, यदि आपको आती है तो पेटीकोट कटिंग करके स्टिचिंग आप आराम से कर लेंगे। अब जो भी हमारे ज्वाइन है इसको अलग कर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर, इस तरीके से जो ज्वाइन है इसे अलग कर लेंगे। और जो खास गलतियाँ लोग करते हैं पेटीकोट को जोड़ने में, जो गलतियाँ करते हैं उसे नहीं करना चाहिए। पेटीकोट का कपड़ा इस तरीके से कटा है, कटने के बाद अब हमें इसे जोड़ना कैसे है, तो जोड़ने के लिए आप इसे साइड में करिए और इस पर ध्यान दीजिए। तो ये जो हमारी लाइन होती है पेटीकोट में, जो ये तिरछी वाली लाइन होती है वो हमेशा सीधी वाली के साथ जोड़ी जाती है, तो इस तरीके से हमें कट करके जोड़ा जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ऐसे रख देना है, और सेम इसी तरीके से इस पार्ट का ये तिरछा है, ये सीधा है, तो इसे आप इस तरीके से यहाँ पर जोड़ दीजिए। फिर इसे आप इस तरीके से, सीधा है ये थोड़ा तिरछा है, तो इसे इस तरीके से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट ये आता है जब ज्वाइन कर देते हैं, तो इसे हमें कट करके निकाल देना होता है। जैसे कट करके सब निकाल देना है, तो निकालने से भी हमारी जो है गोलाई आ जाएगी। ये भी हमारा साइड में है, सारी इस जोड़ने के बाद ही इनको निकालिए। इस तरीके से हमारा जो गोलाई होता है वो परफेक्ट आ जाता है। तो ये भी गोलाई है, इस तरीके से सब निकाल लीजिए। ये देखिए देख सकते हैं, सारी गोलाइयाँ इस तरीके से हो चुकी हैं। अब हमें इसकी बेल्ट पट्टी जो लगानी है करके लगानी नहीं होगी, तो यहाँ पर इस तरीके से करके इसको जब लगा देंगे फोल्ड करके, इस तरीके से हमारा पेटीकोट तैयार हो जाएगा। और नीचे से मोड़ देंगे तो जो हमारा ऊपर का हिस्सा बड़ा है उससे हमारी जो लेंथ है वो कवर हो जाएगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।